अनुराग आया था छोड़ने। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। और मैं कुछ काम से पहले ही बाहर आ गई थी और मम्मी का मैं वेट कर रही थी, घर के बगल में ही आई थी। तो अभी बड़ा वाला बेटा मम्मी को यहाँ छोड़ के गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक मार्केट में जहाँ पे मतलब हाथी बागान उसका नाम है। तो थोड़ा दूर है घर से, मतलब थोड़ा क्या, बहुत दूर है। तो अभी हम लोग जाएंगे बस देना है, तो धनिए ये करके। तो मम्मी को मैंने बोला कि चलिए एक बार थोड़ा मार्केट विजिट करके आते हैं, देखते हैं। भैया मुझे मैसेज किया था कि उसे जाना है मधुबन घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो उसने बोला था कि ये ड्रेस का थोड़ा ज़रूरत है, देख लेना अगर इस कलर में मिले तो बताना मुझे क्या है कैसे, मुझे फ़ोटो भेज देना, अगर पसंद आएगा तो मैं बोल लूँगा कि ले लेना। तो एक ये भी रीज़न है। और मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया था, मैंने देखा नहीं था वो मार्केट, तो एक बार घूम लेते हैं। तो आज पापा का भी छुट्टी था तो वो घर पे हैं, तो बेटा लोग उन लोगों के पास है और हम और मम्मी निकले हुए हैं। तो ये मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है, क्या रेट है वहाँ पर, अगर पसंद आता है तो ज़रूर लेंगे हम लोग। तो चलिए बने रहिए हम लोगों के साथ और चलते हैं मार्केट। मार्केट में तो एंटर कर चुकी हूँ, बट यहाँ आते आते लोचा ये हो गया कि बहुत दिनों के बाद मैं आई थी इस मार्केट में। और भाई कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आया था, उसको बोले थे ना सिस्टर के घर जा रहा है तो उसको शॉपिंग करना था, तो इधर ही आया था। तो मैंने पूछा कि ठीक है यार, उसी से पूछ लेती हूँ, उसको एग्जैक्ट पता ही नहीं था कि कहाँ से कहाँ मुड़ना है। फिर मैंने बगल वाले दुकान वाले से पूछा, देन उसने बताया। तो अब हम लोग मार्केट में एंटर किए हैं, देखते हैं कुछ मिल पाता है या नहीं। वैसे तो कपड़ा बहुत अच्छा अच्छा लगा है, आप देख सकते हैं, पूरा हम लोग पीछे से छोड़ के आ रहे हैं। अभी देखते हैं पहले, उसके बाद। बहुत ही मतलब यहाँ पे दाम बोल रहा है, बट अगर आपको कोलकाता में शॉपिंग करने आती है तो आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग कीजिए, आपको उस हिसाब से सामान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये लोग जितना बोलते हैं उतना में ही देंगे। अगर आप बार्गेनिंग करने में मेरी तरह एक्सपर्ट हैं तो आपको कपड़ा अच्छे दाम में मिल जाएगा, नहीं तो ये लोग तो एक ही बार बोलेंगे 2,000 4,000। लेकिन आपको अपने हिसाब से दाम लगाना होगा। तो हम लोग ऐसे शॉपिंग करते करते मार्केट देखते देखते थक गए, तो अभी हम लोग आए हैं थोड़ा पेट पूजा करने। तो अभी हम लोग यहाँ पे बनवा रहे हैं पापड़ी चाट और भेलपूरी, जो कि बिहार में बोला जाता है और यहाँ पर बोला जाता है झालमुड़ी। तो बस हम लोग थोड़ा वो खाएंगे, उसके बाद फिर आए कंटिन्यू करेंगे। ये आ गया हमारा, क्या है ये, पापड़ी चाट। बैठिए ना, यहाँ बैठने के लिए बनाया ना, तो हम लोग अभी उसे इंजॉय करेंगे। और मम्मी आज ये वाला साड़ी पहन के आई है मेरे साथ, है ना? ठीक है, ठीक बना है, ठीक है ना? थोड़ा चटपटा बनाइएगा। और ये कितना अच्छा डेकोरेट किए हैं टमाटर से, देखिए दुकान ही बहुत अच्छा डेकोरेट किए हैं ये। नहीं, यहाँ पे चारों तरफ फुचका लगा हुआ है और हमारा झालमुड़ी रेडी हो रहा है। आ गया हमारा झालमुड़ी भाई, टूटना नहीं भाई, के पता नहीं क्या ही है ये। ये देखने में फूड मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं मुझे खाने की इच्छा नहीं कर रही है वाकई यार। सच्ची। और मुझे समझ नहीं आता है कि लोग चम्मच से खाने का चुटकी क्या करते हैं, देसी आदमी है, हाथ से खाओ। और बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। मम्मी वीडियो में कैसे बोलना है सीख रही है।
स्पून से मुझे खाने में बहुत दिक्कत होता है। इतना स्ट्रगल है ना इसे स्पून से खाने में, बट बनाया अच्छा है। इसमें मिर्चा भी डाला है और ये नीचे टमाटर डाला है। कुछ कुछ चीज़ें ले ली हैं, मार्केट इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट हम लोग 1 किलोमीटर तक चल चुके हैं, बट मार्केट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस साइड में सिर्फ कपड़ा का दुकान लगा है और इस साइड में मिक्स दुकानें लगी हुई है, जैसे घर की सजावट की, बुक्स है, बैग्स है, क्रॉकरी है, कॉस्मेटिक्स है, मतलब वैरायटी ऑफ शॉप्स है इधर। तो अगर आप इस मार्केट में आते हो ना तो आपको हर चीज़ एक ही जगह मिल जाएगी, बस आपको अपने पैरों से घूमना है और आपको जो चाहिए बस थोड़ा ढूंढना है, ज़रूर आपको मिल जाएगा यहाँ। और मतलब मुझे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आपके बजट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए पहले यहाँ से निकलते हैं। मुझे अपने मोबाइल में यहाँ पर टेम्पर लगवाना था जो कि पूरी तरीके से टूट चुका था, तो मैंने उसे भी यहाँ पर लगवा लिया। लगे हैं आ गई मैं घर यार, बहुत लेट हो गया। कब का निकली हूँ? 1:45 का निकली हूँ और अभी आ रही हूँ, बहुत लेट हो गया। मैं दूंगी इधर लेके आइए। और लेके आई हूँ मैं जलेबी, यहाँ पे सभी को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम तो राग निकालो बेटा प्लेट में, और जोर की प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी देना जरा। बाहर गए थे क्या? रो रहे हो क्या? हाँ ये खिलौना अच्छा है ना? तुम यही ना बोल रहे थे ट्रेन में लेने के लिए, देखो तुम्हारे लिए लेके आए। अच्छा है बहुत 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 अच्छा। खुशी देखी नाचने लगा। पर ये देखिए लो। हाँ चलो लो लो लो। ये इनका हैबिट है, खाएंगे जरूर तो अपना देखेंगे कैसा बना है। ये जलेबी जो मुझे अच्छी लगती है इसलिए, क्योंकि ये बहुत कुड़कू रहती है, बगल वाले हम लोग घर के बगल में ही मिलता है। आता है अक्सर जलेबी। मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा थी यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर चीज़ थी वहाँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने जितना हो सका मैंने कैप्चर की थोड़ा बहुत और आपको दिखाया। तो नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो मज़ा आ गया घूम कर। अभी तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ली मैंने, बस बेटा के लिए होली के लिए एक ड्रेस लिया है और गर्मी के लिए 2 टी-शर्ट लिया है, हाफ एकदम सिंपल। मेरा वाला अच्छा है टी-शर्ट। तो बस और कुछ लिया नहीं अभी, उतना कुछ लेने का मूड था नहीं, लेने जैसा कुछ था नहीं अभी। मार्केट बहुत अच्छा था लेकिन वहाँ जाने के लिए टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, दूर है घर से तो बहुत टाइम टेकिंग है इसलिए। तो फिलहाल आज का दिन कुछ ऐसा रहा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जलेबी इंजॉय करते हैं, उसके बाद खाना पीना जो बनना है बनेगा। बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग बट वो तो करना ही है। तो
वो होगा, उसके बाद देन हम लोग फिर अपना आराम करेंगे। नींद बहुत तेज आ रही है क्योंकि मैं सुबह से सोई ही नहीं हूँ, मुझे नैप लेने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाई है। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक बाय, सेफ रहिए और अपने आसपास सफाई बना के रखिए। टाटा बाय।